ये कहानी उस जमाने की है जब जानवर हम इंसानों की तरह बात किया करते थे। अफ्रीका के घने जंगलों में एक बड़ी आबादी में खरगोश और कछुए रहा करते थे। खरगोश खुद को न सिर्फ तेज मानते थे बल्कि सबसे अक्लमंद भी। वो बहुत शरारती थे और कछुओं के लिए मुसीबत भी। एक दिन, महाराज, हम उन खरगोशों को अब और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हैं, हम उनके साथ नहीं रह सकते। आपको इस बारे में कुछ करना होगा, वरना हमें ये जंगल छोड़कर जाना होगा। मेरे साथियों, ऐसा नहीं है कि मैं तुम सबकी तकलीफ नहीं समझता, पर वो हमसे बहुत ही तेज और चालाक हैं। हम उल्लू देवता से इस समस्या के हल के लिए प्रार्थना करेंगे। अगर कुछ नहीं हुआ तो हम ये जंगल छोड़ देंगे। उनके राजा के फैसले के मुताबिक सारे कछुए उल्लू देवता से प्रार्थना करने लगे और देवता उनके सामने प्रकट हो गए। फिक्र मत करो बच्चों और मेरी बात मानो। खरगोशों के राजा को अपने राजा से दौड़ने के मुकाबले के लिए चुनौती दो। जो जीतेगा उसी को बेहतर माना जाएगा। लेकिन सुनिए, फैसला मैं खुद करूंगा, इसलिए चिंता की बात नहीं है। हालांकि कछुए जानते थे कि उनका हारना तय है, मगर फिर भी उन्होंने देवता की बात मानी और रेस के लिए हाँ कर दी। तुम सिर्फ सपनों में जीत पाओगे, सिर्फ सपनों में, हकीकत में नहीं, समझे? खरगोशों के राजा ने कहा। रेस की शुरुआत होगी तीन की गिनती के बाद। एक, दो और तीन। खरगोशों का राजा तेज रफ्तार से दौड़ते हुए कछुओं के राजा को कई मील पीछे छोड़ाया। ओह, वो कछुआ कभी मेरे आसपास तक भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों ना कुछ देर के लिए आराम कर लिया जाए? खरगोश ऐसा कहकर सेब के पेड़ की छांव में झपकी लेने लगा। पर कछुआ लगातार चलता गया और वो उस पेड़ को पार कर गया जहां खरगोशों का राजा सोया हुआ था। और फिर कुछ देर के बाद, आओ, ये क्या? शायद मैं कुछ ज्यादा देर सो गया। हे, सुनो, तुम्हें क्या लगा मुझसे जीतना इतना आसान होगा? खरगोश इतनी तेजी से भागा कि उसने ये भी नहीं देखा कि रास्ते में नदी आ गई है। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ! और तभी कछुआ, जो एक माहिर तैराक था, नदी में कूद पड़ा। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कछुआ तैर कर खरगोश के पास गया, उसे बचाया और नदी से बाहर तैरता हुआ ले आया। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर उठाकर ये रेस पूरी कर ली। तभी देवता उल्लू वहां आए और उन्होंने खरगोश को ठीक कर दिया। ना कोई महान होता है और ना कोई मामूली होता है। अगर कछुआ ना होता तो तुम अब तक पानी में डूबकर मर चुके होते। खरगोश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे कछुए के लिए बहुत बुरा लगा। और कछुए, तुम्हारी स्नेकी और दरिया दिली की वजह से आज से सभी कछुओं की उम्र बड़ी लंबी होगी।
और तब से कछुओं को बड़ी लंबी जिंदगी मिली उनके नेकी के इनाम के तौर पर। तो बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सीखा? खरगोश का राजा शरारती और जालिम था, तब भी कछुओं के राजा ने उसकी जान बचाई। बदले में इनाम के तौर पर देवता उल्लू ने उन्हें लंबी उम्र का वरदान दिया। तो बच्चों, याद रखना, ईश्वर उन्हें आशीर्वाद जरूर देता है जो दूसरों की दिल से मदद करते हैं। और देखने का मन कर रहा है ना आपको? तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहित मैजिक बॉक्स के वीडियोस का आनंद लें। मैजिक बॉक्स हिंदी, मजे और शिक्षा के संतुलन रंगमंच। सब्सक्राइब करना मत भूलना।